हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे अरबी के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने ज़्यादा तो नहीं खाए होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से बनाएंगे तो आप भी बार बार खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 3-4 अरबियाँ थी, उनको मैंने अच्छे से छील के धुल के इस तरह से पीसेस में कट कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे कट करना चाहें। यहाँ 2 चम्मच मेरा चावलों का आटा है, 4 चम्मच मेरा बेसन है, 3 चम्मच मेरा गेहूं का आटा है। बाइंडिंग के लिए आपको जो अच्छा लगे, अरारोट पाउडर, मैदा, जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। 1/3 टीस्पून मेरा चिली फ्लेक्स है, 1/3 टीस्पून मैंने मिक्स्ड हर्ब्स लिया है, 1/3 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, थोड़ा सा हींग लिया है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून के जिससे थोड़ा सा कम होगा या फिर 1/2 टीस्पून मान लीजिए सॉल्ट है, और 1/2 टीस्पून करीब यहाँ मैं सफ़ेद वाला तेल यूज़ करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट और कलर भी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने थोड़े थोड़े लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करूँगी, अरबी को पहले एक पानी में हल्का सा बॉयल करूँगी। अरबी को बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पे करीब 2 से 2.5 कप पानी बॉयल होने रख दिया। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 2 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया, जिससे इसका जो नमक अपना फ्लेवर छोड़ दे और ग्रीन चिलीज और लाल चिली अपना स्पाइसीनेस छोड़ दे, जिससे अरबी के अंदर अपना एक टेस्ट आ जाए। क्योंकि अरबी थोड़ा टेस्टलेस होती है, पकौड़ों के लिए थोड़ा सा टेस्ट अंदर से भी होना ज़रूरी है, बाहर की कोटिंग में तो रहता ही है। तो इसी में मैं अपनी अरबियों को डाल देती हूँ अच्छे से। मैं क्योंकि पानी में पूरा तरह से फ्लेवर आने दिया मैंने, तब मैंने अरबी को डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी। तो इसको मैं तकरीबन जितना अरबी मेरी गलेंगी मैं 40% कुक कर लूँगी, 60% जब वो फ्राई होंगी तो पक जाएंगी, अच्छे से फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लें। फ्लेम मीडियम रखेंगे जिससे जल्दी से हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी अरबियों को उबलते हुए 3-4 मिनट हो चुके थे, मैंने उनको निकाल लिया है, जो चिलीज थी वो भी साथ में आ गई। आप चाहें तो इन्हें पकौड़ों में शामिल कर लें वरना हटा दें, कोई मसला नहीं, उनका फ्लेवर तो आ ही गया है। हल्का सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बहुत गर्म है, बस 5-10 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बाइंडिंग शुरू करते हैं। तो मेरी अरबी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं, चलिए फिर उनमें बाइंडिंग करना शुरू करते हैं। एक खाली बर्तन में हम लोग अरबी को निकाल लेंगे, सारे मसाले डाल देंगे आराम से, डालेंगे चावल का आटा, बेसन, मैंने करीब 2 टीस्पून चावल का आटा डाला है, 2 ही टीस्पून बेसन भी डाला है, और 2 ही टीस्पून मैं गेहूं का आटा भी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी अरबियों के लिए इतना काफ़ी है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। हल्का सा अभी मेरी अरबी गर्म है, रूम टेम्परेचर पे आ गई है, लेकिन अभी भी उनमें हल्की सी गर्माहट है, इसलिए मैंने अभी उनमें बाइंडिंग करना ठीक समझा, जिससे उन पर अच्छी सी कोटिंग हो जाए, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा ही बहुत पानी डालना पड़े। अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और एक थोड़ा गाढ़ा सा बैटर तैयार करूँगी। हल्का सा मैंने पानी डाला था और मिक्स करके देखा है, अभी थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, फिर से मिला के देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से 4-5 टीस्पून पानी डालना पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका बैटर गाढ़ा बनाने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि अरबी बहुत चिकनी होती है, लेयर आसानी से चढ़ती नहीं, अभी भी आप देख सकते हैं। अभी जैसे ही मैं पकौड़े सेकना शुरू करूँगी तो थोड़ा सा मसाले में लगा लगा के तब सेकूँगी। यहाँ कढ़ाई मैंने अच्छे से ऑयल हीट कर लिया है, अभी मैं अपने जो अरबी के पकौड़े उनको तलना शुरू करती हूँ। हाथों से थोड़ा थोड़ा जो कोटिंग है वो पकौड़ों पे लगाते जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा चिकनी होती है ना तो आसानी से चिपकते नहीं है, इस तरह से डालते जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे डाल के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ अच्छे से 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने अपने पकौड़ों को सेक लिया, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। चलिए इनको निकाल के दूसरा बैच डालती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बहुत ही झटपट, बहुत करारे और बहुत ही
टेस्टी से अरबी के पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं। 8 से 10 मिनट लगा और मेरे सारे पकोड़े बन के तैयार हो गए। किसी भी तरह की चटनी के साथ में सर्व कीजिए, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। मैंने यहाँ टमाटो केचप और हरे धनिया की चटनी के साथ में इसको सर्व किया है। मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत सारी चटनियाँ बनाई हैं, आप लोग मेरी वेबसाइट पर विज़िट करिएगा, आपको सब मिल जाएंगी। चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।